हाय दोस्तों, मैं हूं निशन। फिर से आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने कहा था, दो वीडियो में कहा था कि रैप्चर में देरी क्यों है, क्योंकि हमें बहुत चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। स्वर्ग का राज्य है तो मिस्ट्रीज ऑफ किंगडम के बारे में और जानेंगे। लेट्स गो। यीशु मसीह इंसानों से बहुत प्यार करते हैं, जान से भी ज़्यादा। इसलिए उन्होंने पिता से प्रार्थना की, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी में भी हो, एज इट इज़। यीशु मसीह के मन में यही है कि जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत खुशियों से बिना गम के रहते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर इंसान हमेशा खुशी से रहें। यीशु मसीह के हर धड़कन में यही था कि स्वर्ग की ज़िंदगी पृथ्वी पर भी हो। एक वचन देखो, मत्ती 16:19, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यहाँ तीन बातों के जिक्र कर रहे हैं, क्या क्या? स्वर्ग, स्वर्ग का राज्य और पृथ्वी। यीशु मसीह ने पत्रस से ये नहीं कहा कि स्वर्ग की कुंजी दूंगा यानी चाबी दूंगा, नहीं, स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा। यीशु मसीह क्रूस पर मरकर जी उठने के बाद जो सुसमाचार, गुड न्यूज, राज्य का भेद, मिस्ट्रीज, वही राज्य की कुंजी है, की ऑफ द किंगडम। इसलिए यीशु ने कहा, जो तू इस कुंजी से पृथ्वी पर खुलेगा वह स्वर्ग में भी खुलेगा। एक्सेस टू हेवन, मतलब एक पहुंच है वहां तक, एक स्वर्ग तक एक अप्रोच है, एंटर टू द हेवन। जनरल रॉबर्ट क्लिव यहां इंडिया में बैठकर ब्रिटेन में ऑर्डर देते थे, मुझे आर्मी की जरूरत है, भेज दो, और वो भेज देते थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का राज्य इंडिया में था। इसलिए ऐसा ही यीशु मसीह ने पतरस से एक बार कहा, जब पतरस कान काट देता है, क्या तू नहीं समझता, अगर मैं पिता से विनती करूं तो वह स्वर्गदूतों का 12 सैन्य दल यानी कि 12 लीजेंस ऑफ एंजल्स अभी उतार देंगे। जनरल डायर ने गोलियों को बरसाया, फायर किया, क्यों? क्योंकि उनका राज्य यहाँ पर था, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अब हमारा राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, आप भी इसी तरह, जैसे उसने उल्टा किया, लेकिन हम ऐसे करेंगे, शैतान के ऊपर फायर कीजिए, उसके ऊपर गोलियाँ बरसाइए। अगर आप यहाँ कुछ बांधोगे तो वे स्वर्ग में भी बंधेगा। ये एक्सेस है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जो स्वर्ग जाकर आता है वही सोचता है कि पृथ्वी भी स्वर्ग जैसा हो। कुछ पास्टर्स इवेंजलिस्ट कहते हैं, मैं स्वर्ग जाकर आया हूँ, स्वर्ग वैसा है, सुंदर है, बहुत अच्छा है, ये है, वहीं रहने का मन करता है, तो वो कहते हैं आओ चलो हम भी स्वर्ग में ही रहेंगे। लेकिन एक ही ऐसा उत्तम व्यक्ति था जो स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर लाना चाहता था, वो है यीशु मसीह, हजार में से एक, जिसने कहा तेरा राज्य आए, पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग पर पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में भी हो, एज इट इज़। मतलब कि कॉपी पेस्ट, स्वर्ग में जो है, जो खुशियाँ, जो भी कुछ है, वो यहाँ पर भी हो, ऐसे यीशु मसीह चाहते थे। जो स्वर्ग जग रहा है बोलते हैं स्वर्ग ऐसा, पानी वैसा, फूल ऐसे हैं, फूल बहुत खूबसूरत है। क्या कभी भी इनमें से किसी एक ने सोचा कि जैसा वहाँ स्वर्ग में है, जो भी कुछ हो, वह यहाँ पर भी हो, यीशु मसीह की तरह किसी ने सोचा? नहीं। वहाँ बीमारी नहीं, गम नहीं, कष्ट नहीं, कोई कमी नहीं, कोई आंसू नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ खुशियाँ खुशियाँ। क्या ऐसा कभी किसी ने सोचा, किसी प्रचारक ने जो स्वर्ग जग रहा है, क्या किसी ने ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ने ऐसा सोचा, क्योंकि वही बेस्ट परफेक्ट ह्यूमन रहकर गए थे। दोस्तों, ऐसे ही कई वचन हैं जो यीशु मसीह ने मत्ती चैप्टर में बहुत सारे राज्य की बात की। अब उनमें से कुछ बताता हूँ। मत्ती 13:24, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। एक और देखो 31, उसने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। 33, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। और 44, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। 45, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में था। 47, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वचन वो बोलते रहते हैं, जैसे 22:2, 18:2, 3:13, 19। स्वर्ग का राज्य जो बहुत ही अनमोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्वर्ग का राज्य ही उनका सपना था। उन्होंने मैक्सिमम प्रचार स्वर्ग के राज्य के बारे में किया, लेकिन अब आप लोग जुड़ चुके हो, स्वर्ग के राज्य में आ गए हो, सब कुछ बदलने वाला है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। ये सुनते ही लोग डरते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि सोचते हैं कई लोग, हाँ भाई यीशु मसीह आने वाले हैं, अब पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसे डरने लगते हैं। लेकिन क्या ये डरने की बात है? स्वर्ग का राज्य एक सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है, लेकिन सब ने उसका उल्टा मतलब ले लिया। यीशु ने कहा, अब से स्वर्गदूत इस पृथ्वी पर आते जाते देखोगे, क्यों? क्योंकि राज्य आ गया। रॉबर्ट क्लीव, चीफ कमांडर, सब ने कहा, अब इंडिया में अंग्रेजों को आते जाते देखोगे, क्यों? क्योंकि हमारा राज्य आ गया। ऐसे ही अब हम स्वर्ग के वारिस और नागरिक बन चुके हैं। परमेश्वर के दासों ने स्वर्ग के राज्य जो प्रेजेंट है, स्वर्ग का राज्य जो प्रेजेंट है, उसको तो छोड़ दिया, लेकिन जो हमारा फ्यूचर, जो स्वर्ग है जहाँ हम जाएंगे, उसी के बारे में ज़्यादा बताया। इसलिए इंडिया में कोई बदलाव नहीं ला पाए,
एक आम इंसान यूके लंदन जाने के बाद वो सोचता है मैं यूके का सिटीज़न बन जाऊं कि वो बहुत बहुत मस्त है, लेकिन मैं कहूंगा मैं अपने देश को यूके जैसा बनाना चाहता हूं। एक बिगर लेवल फेथ है कि मैं सोचूं कि मैं भी यूके जैसा अपना देश को बनाऊंगा, क्योंकि मैं सिटीज़न सिर्फ नागरिक हूं केवल। एक आम नागरिक आम सिटीज़न ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन राज्य का राजा किंग ऑफ किंगडम ऐसा बोल सकता है, उसके हाथ में पावर है। दोस्तों बाइबल कहती है आप ही वो राजा हो। नए नियम का बेस्ट प्रचार कौन है, उत्तम प्रचार कौन है? बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्यों? क्योंकि उससे पहले सारे पुराने नियम के लोग थे, पुराने नियम के प्रोफेट्स भविष्यद्वक्ता थे, किसी ने भी स्वर्ग के बारे में बात नहीं की। सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, बाकी मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ पुराने नियम के लोगों को सबको बोल रहे थे, क्योंकि वो पुराने नियम में, तो उनको मन फिराने के लिए कहा कि नए नियम में आओ, यानी कि यीशु मसीह को मन में रखकर बोला, क्योंकि एक नया नियम आने वाला है उसकी ओर मन फिराओ। यूहन्ना ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, लेकिन यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य आ गया। मत्ती 11:11 का देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। क्यों ऐसा यहाँ पर कहा? देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबसे उत्तम है, जितने भी पुराने में मूसा या जो भी थे उससे उत्तम कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। लेकिन जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है उससे बड़ा है, क्योंकि वो राज्य में नहीं आया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला राज्य में नहीं आया। हम आए हैं जो यीशु मसीह के मरने के बाद, जो उन्होंने विजय पाया, जो उन्होंने अपना राज्य खड़ा किया क्रूस के बाद, वही स्वर्ग का राज्य, और उसमें हम आते हैं, हम बड़े हैं। यूहन्ना ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ यही प्रचार किया मन फिरा स्वर्ग का राज्य नहीं खटा, स्वर्ग के राज्य के बारे में ही कहा। मूसा ने बहुत बड़े चमत्कार किए, बहुत बहुत मिराकल्स किए, लेकिन वो स्त्रियों से जन्मे हुए में उत्तम नहीं है, सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है। चमत्कार बड़ी बात नहीं है, एक राइट मैसेज, उत्तम सुसमाचार सुनाना ही सबसे बेस्ट होता है। मत्ती 13:11 देखो, उसने उत्तर दिया तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, भेद मतलब मिस्ट्रीज, पर उनको नहीं। यहाँ दोस्तों उनको लिखा है, ये कौन है उनको? 17वां वचन देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और धर्मियों ने चाहा, यही है उनको जो लिखा था ना, वो यही है, भविष्यद्वक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखे, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। ये वही है, स्वर्ग का राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। भविष्यद्वक्ता और बहुत धर्मियों ने चाहा कि ये मैसेज सुने, इसके बारे में जाने, लेकिन वो जान नहीं पाए। लेकिन हम लकी है कि इसके बारे में हम जान पा रहे हैं, स्वर्ग के राज्य के बारे में समझ पा रहे हैं। हम लोगों को बीमारी, दुख और परेशानी में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम राज्य के नागरिक हैं। इसलिए यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस में बलिदान किया और विजय पाया, ताकि हम इन सब से छुटकारा पाएं। यीशु स्वर्ग पर उठा लिए जाने से पहले कहा था, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। जब यीशु मसीह दुनिया के अंत तक हमारे साथ है, तो डरने की क्या जरूरत है? रैप्चर में जाएंगे कि नहीं, एंटीक्राइस्ट कब आएगा, दुनिया कब खत्म होगी, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु हमारे अंत तक हमारे साथ है। दोस्तों ये सब छोड़कर रैप्चर रेवलेशन वगैरह तो होगा, लेकिन उससे पहले हमें काम करना है, जो काम रहता है वो पूरा करना है। आप लोग बदल सकते हो, पृथ्वी में स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने की चाहत रखो और दूसरों को भी यही बताओ। पुराने नियम में जीना छोड़ दो और नए नियम के स्वर्ग के राज्य में आओ, प्रवेश करो। सब आ चुके हैं, जितने भी सुन रहे हो आप सब आ चुके हो, और दूसरों को भी बताओ। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी को पसंद भी आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।